इस फ़ोन को चलाते हुए मुझे 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और क्योंकि आप लोगों के कई सारे सवाल थे कि Realme 10 Pro Plus को अभी जून के महीने में खरीदना, जहां सारे लोग लावा लावा चिल्ला रहे हैं, Realme खुद अपना Realme 11 सीरीज लॉन्च कर रहा है, क्या खरीदना एक राइट चॉइस रहने वाली है। पिछले 110-12 दिनों से ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करने वाला हूं, और आपके जो भी डाउट्स रहने वाले अदर ऑप्शन से रिलेटेड जो कि मार्केट में आ चुके हैं उनको भी क्लियर करते चलूंगा। बस आप एक चीज करना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना मत भूलना। अब सबसे पहली चीज जो आपको लॉन्ग टर्म में फील होने वाली है वो इसका 175 ग्राम का वेट। काफी ज्यादा स्लिम है, हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि मेनली इसके कर्व डिस्प्ले के कारण भी है, क्योंकि आगे से कर्व और पीछे से जो बैक है वो भी कर्व है। हालांकि बैक प्लास्टिक का है, लेकिन मुझे उससे उतनी ज्यादा शिकायत नहीं, क्योंकि प्रीमियम फील होता है पकड़ने में, और ये कर्व की फील आउटडेटेड नहीं हुई है। आप चाहे लावा अग्नि 2 देखो, उसमें भी आपको कर्व डिजाइन देखने मिलता है, या फिर Realme 11 सीरीज, 11 प्रो या प्रो प्लस, उसमें भी कर्व ही है। अब कर्व डिस्प्ले सही तो होता है, लेकिन वो सिर्फ फील के अंदर, क्योंकि जब आप डिस्प्ले में देखने जाओगे तो फिर आपको उसका उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं कि जब आप मल्टीमीडिया देखने जाओगे तो आपको कोई कमी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 4K HDR 60fps वीडियो आराम से चल सकती है बिना जिटर के। कुछ टाइम पहले एक बग था जो आपको HDR वीडियोस में थोड़ा सा जिटर होता था, लेकिन वो अभी ठीक हो चुका है। काफी मस्त और वाइब्रेंट से कलर आपको पूरे डिस्प्ले के ऊपर देखने मिलते हैं, जो कि AMOLED डिस्प्ले के कारण है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब जब आप स्लाइड नेविगेशन यूज करते हो या फिर बैकग्राउंड स्ट्रीम निकालना चाहते हो, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक ग्रीन टिंट भी देखने को मिलता है जब आप थोड़ा सा एक्सट्रीम एंगल्स पे फोन को देखोगे। खैर, ये सारी चीजें इस प्राइस रेंज के सभी कर्व डिस्प्ले के ऊपर वैलिड है, तो ऐसा नहीं कि लावा अग्नि 2 या फिर कोई और फोन आप लेते हो Realme 11 का तो उसमें ये नहीं होने वाले। ये बस इस कर्व डिस्प्ले की एक थोड़ी मोटी चीजें होती है जो पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म यूजर्स में थोड़ा सा एनॉय करती है। लेकिन हम लोग बात करें कि क्या ये फोन आउटडेटेड हो चुका है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर पे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Realme 10 Pro Plus Android 13 के साथ इनबॉक्स आता है, और इसमें 2 एंड्रॉइड अपडेट्स के प्रॉमिस किए गए, मतलब कि एंड्रॉइड 15 तक जाएगा, जो कि मैं बता दूं कहीं भी पीछे नहीं। आप कोई और भी फोन लेते हो उसमें भी आपको एंड्रॉइड 13 ही इनबॉक्स मिलेगा, और इसके अंदर भी है, तो अपडेट एंड सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम तो है, वो आपको पता है, वो एड्स की। काफी ज्यादा एड्स देखने मिलते हैं, आप चाहो तो उनको ऑफ कर सकते हो। सिंपल सेटिंग्स में जाके गेट रिकमेंडेशन सर्च करना, उस पर क्लिक करके उसके अंदर जाके आपको उसको ऑफ कर देना है। फिर होम स्क्रीन जहां स्क्रॉल करते हो वहां पर भी कुछ कुछ एड्स देखते हैं, तो उसके लिए वहां मैनेज पे क्लिक करके ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स में जाना और सभी को ऑफ कर देना। मोस्ट ऑफ द एड्स आपको ये करने से गायब हो जाएंगी। लेकिन अब मैं बताता हूँ परफॉर्मेंस का क्या मामला चल रहा है। आप देखो, इतने दिनों से मैंने फोन यूज किया और मैं एक कैजुअल गेमर हूँ, जब भी मैंने थोड़ी मोड़ी गेमिंग की तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जब लॉन्ग सेशन तक गेमिंग चलेगी तो थोड़ा सा हीट होता है, और क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है तो हीटिंग बहुत ज्यादा फील होती है। बाकी अंतुतु स्कोर 4,98,000 का है, लगभग 5,000 मेंटेन करके अभी तक चला है। सीपीयू थ्रॉटल में सरप्राइजिंगली बहुत मस्त रिजल्ट लाके देता है, जैसे तो सीपीयू थ्रॉटल बहुत कम करता है। बाकी प्रैक्टिकली गेम्स वगैरह खेलोगे BGMI तो काफी ज्यादा स्मूथ फील होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम्स भी आपको कॉन्स्टेंट मिलते हैं, कभी एक आध बार फ्रेम ड्रॉप भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल एक कैजुअल गेमर के लिए बहुत सही परफॉर्मेंस है। लेकिन पॉइंट ये है कि Realme 10 Pro Plus का जो डायमेंसिटी 1080 वो जून के महीने में आउटडेटेड हो चुका है। अब आपको जो इस प्राइस में प्रोसेसर मिलता है वो डायमेंसिटी 7050 है, जो कि लावा अग्नि 2, Realme 11 सीरीज सब में है। लेकिन एक छोटा सा कैच है, ये जो डायमेंसिटी 1080 इसमें मिलता है और 7050 उनमें मिलता है, सेम ही है ये, बस 1080 का रीब्रांड कर दिया 7050 ताकि नया लगे और पावरफुल लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बाकी बैटरी आपको 5000 mAh की देखने मिलती है, काफी एक डिसेंट सा पैकेज है। चार्जिंग लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, 67 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 80 वाट का एक चार्जर मिलेगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सपोर्टेड चार्जिंग 67 है तो उसी पे चार्ज होने वाला है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना चार्जिंग स्पीड इसकी स्लो हो चुकी थी, वो एक दो अपडेट्स खराब आ चुके थे जिस वजह से ये चीजें हुई, लेकिन वो अब ठीक हो चुकी है। मैंने चार्जिंग टेस्ट किया और 49 मिनट्स में ये लगभग 100% चार्ज हो जाता है, जो काफी सही है, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी अच्छे से मैच कर जाता है। लेकिन असली खेल जो यहाँ कैमरा के अंदर आता है, आप ये वीडियो देख सकते हो, 4K वीडियो आउटडोर में शूट हो रही है, अभी ये वीडियो आप इंडोर में देख पा रहे हो, इंडोर में किस तरीके से वीडियो क्वालिटी है वो भी देख सकते हो। ये कुछ सैंपल से 108 मेगापिक्सल के रियर कैमराज है, आप देख सकते हो डायनामिक रेंज वगैरह, जो कलर साइंस है, स्किन टोन से वो काफी मस्त है। पोर्ट्रेट के अंदर जो आपको एज डिटेक्शन मिलता है वो भी काफी मस्त है, बस एक छोटी सी कमी खलेगी वो है OIS की। बाकी इसका जो फ्रंट कैमरा वो बहुत डिसेंट सा है, उसमें आपको देख सकते हो सेल्फी में थोड़ा सा व्हाइट वॉश टोन देखने मिलता है, और वीडियोस भी आपको उतनी कुछ स्पेशल देखने नहीं मिलती, सब कुछ डिसेंट सा है, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स में ऐसा ही है। लावा अग्नि 2 ले लो, Realme 11 Pro ले लो, मैं जान रहा हूँ मैं बहुत लावा बोल रहा हूँ, बट वो ट्रेंड में अभी। हाँ, एक फोन है जिसमें आपको बेटर सेल्फीज मिल जाएंगी, वो है Redmi Note 12 Pro। तो आपके लिए अगर सेल्फीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको कंसिडर कर सकते हो। वैसे एक कैमरा टेस्ट हमने करके रखा है, आप लोग ऊपर आई बटन में भी वीडियो देख पा रहे हो, वहां से आप लोग देख लेना, थोड़ा अंदाजा भी चल जाएगा कि इसका क्या हाल चल रहा है। तो इस वीडियो के बाद चाहो तो देख लेना, मैं नीचे कमेंट्स में भी लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी टाइम है कंक्लूजन का। देखो, ये जो हमारा फोन है Realme 10 Pro Plus, ये एक खराब फोन नहीं है। हर चीज में आप अगर देखने जाओ तो
ये आउटडेटेड नहीं हुआ, अभी भी बहुत मस्त है। तो आपने अगर इसे खरीद रखा है तो फिर निराश होने की कोई बात नहीं भाई, आप अभी भी इस जमाने के साथ चल रहे हो कदम से कदम मिला के। लेकिन अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई मत खरीदो। ऐसा क्यों भाई, फोन तो मस्त है। देखो पॉइंट ये है ना कि अगर आपका बजट जो है वो रियलमी 10 प्रो प्लस से 3-4 हज़ार रुपए कम है तो फिर आप लावा अग्नि 2 के साथ जा सकते हो। हाँ, उसमें आपको थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक डुअल स्टीरियो स्पीकर उसमें नहीं है, आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जो कि रियलमी के फोन में ओ डायलर के मदद से आप रिकॉर्ड कर सकते हो बिना सामने वाले को पता चले। जस्ट बता दिया मैंने, बहुत सारे लोग इस पे नहीं सोचते हैं। और तीसरी चीज, थोड़ा सा आपको लावा में कैमरा इन्फीरियर देखने मिलता है रियर वाला, बाकी फ्रंट तो सब में ही सेम है। तो आपको एक ब्रिलियंट ऑप्शन थोड़े कम पैसे देकर ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप इतना ही खर्च करना चाहते हो तो फिर आप रियलमी 11 प्रो ले लो, क्योंकि भाई बात यह है कि जो 10 प्रो प्लस है और जो 11 प्रो है वो पूरा का पूरा सेम फोन है। और उल्टा आपको 11 प्रो में एक बेटर डिजाइन देखने मिलता है, कैमरा के अंदर OIS मिल जाता है, डायमेंसिटी 1750 11 प्रो में मिलेगा, लेकिन 10 प्रो प्लस में 1080 जो कि सिमिलर है, लेकिन फिर भी सेम पैसे देकर एक बेटर चॉइस आप कर सकते हो 11 प्रो के साथ। तो यही मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू है, एक्सपीरियंस मेरा बहुत मस्त रहा है। लेकिन अगर आपको खरीदना है तो मैंने अदर ऑप्शंस बता दिए। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट्स बताओ क्या आप रियलमी 10 प्रो प्लस खरीदते, और जाते जाते नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना। मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।